आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। नेशनल हेराल्ड केस में आए दिन ईडी छापेमारी कर रही है। लगभग 10 साल पुराने इस केस में ईडी ने दिल्ली में स्थित नेशनल हेराल्ड केस के कई दफ्तरों पर छापेमारी की है। देखिए रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की छापेमारी, यंग इंडियन के दफ्तर को किया गया सील, कांग्रेस सरकार कर रही है विरोध प्रदर्शन। प्रवर्तन निदेशालय ने 3 अगस्त को मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत दिल्ली में नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग में यंग इंडियन के दफ्तर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। साथ ही ये भी निर्देश दिया कि एजेंसी की अनुमति के बिना परिसर को नहीं खोला जाए। ईडी की ओर से जारी इस निर्देश के बाद दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। वही प्रवर्तन निदेशालय की ओर से ये कार्रवाई ऐसे वक्त में की गई जब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार का विरोध कर रही है। कांग्रेस की ओर से ये आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार विपक्षी दलों को प्रताड़ित करने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है। दरअसल जांच एजेंसी ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से 27 जुलाई को करीब 3 घंटे तक पूछताछ करने के कुछ दिनों बाद छापेमारी की गई थी। इस मामले में वरिष्ठ नेता से पूछताछ का ये तीसरा दौर था। वहीं ईडी की तरफ से सोनिया गांधी को तलब करने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सरकार द्वारा जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया था। अब अधिकारियों ने बताया है कि यंग इंडियन दफ्तर की सीलबंदी सबूतों को सुरक्षित करने के लिए लगाई गई है। सूत्रों ने यह भी बताया कि बाकी नेशनल हेराल्ड कार्यालय उपयोग के लिए खुला है। ईडी की हालिया कार्रवाइयों के दौरान कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं कानून व्यवस्था कायम रहे इसको देखते हुए कांग्रेस मुख्यालय के बाहर अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। इसी बीच कांग्रेस सांसद भी इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। हेराल्ड मामले में ईडी पूछताछ कर रही है जिसका विरोध विपक्ष कर रहा है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि सरकार ईडी और आईडी का गलत उपयोग कर रही है। इसको लेकर काफी नाराजगी भी कांग्रेस जताता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में ताई आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।